नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा वास्तु अनुसार किचन कहां पर बनाना चाहिए, वो कौन सी दिशाएं हैं जिनमें वास्तु अनुरूप किचन बन सकता है। काफी लोगों की ये भ्रम रहता है साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर में ही किचन बना सकते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी दो दिशाएं जहां पर किचन बना सकते हैं और वो कौन सी दिशाएं जहां पर किचन बिल्कुल आपको इग्नोर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए डिस्कस करेंगे। तो देखिए, घर में रसोई कहां बनाएं, तो जिस तरह हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ होता है उसी तरह से हम जब घर का निर्माण करते हैं तो पांच तत्वों को ध्यान में रखकर करते हैं। पहला तत्व होता है वायु, दूसरा तत्व होता है जल, तीसरा तत्व होता है आकाश, चौथा तत्व होता है अग्नि, पांचवा तत्व होता है भूमि यानी कि मिट्टी। ये पांच तत्व होते हैं। अब घर के अंदर जो किचन बनता है वो क्या होता है, वो घर के अंदर जब किचन बनता है वो अग्नि से संबंधित होता है, यानी कि किचन के अंदर अग्नि प्रज्वलित की जाती है तभी खाना बनता है। तो अग्नि का कौन सा स्थान होता है, अग्नि का स्थान हमेशा होता है साउथ ईस्ट। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, इस जो भी आपका प्लाट है उसको 9 भागों में आप डिवाइड कीजिए, जैसा कि हमने कर रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भागों में जब आप डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए यहां पर आपके नॉर्थ आ रही है, यहां पर आपका साउथ है यानी कि उत्तर दक्षिण, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। यहां तक आप क्लियर हैं? तो ये जो कॉर्नर होगा, ये जो भाग होगा आपका, इतना भाग, ये पूरा भाग आपका कहलाएगा साउथ ईस्ट, यानी कि यहां पर ये जो कॉर्नर आएगा ये साउथ ईस्ट का आएगा, अग्नि कॉर्नर आएगा, ठीक है। जो पूरब के मिड से लेकर यहां तक, साउथ के मिड तक, यहां तक आप किचन बना सकते हैं, यानी कि रसोई बनाने का सबसे उत्तम स्थान कौन सा होता है, साउथ ईस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अग्नि की किसके साथ नहीं बनती, अगर आप अग्नि को जल में प्रवेश करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि के ऊपर अगर आप रेत यानी कि मिट्टी गिराएंगे तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। तो ये दो तत्व होते हैं जहां पर आपको अग्नि बिल्कुल नहीं जलानी है, यानी कि अग्नि का संबंधित कोई भी वस्तु आपको यहां पर नहीं रखनी है। तीसरा तत्व होता है हमारा आकाश तत्व है। आकाश तत्व में भी आपको अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते, क्योंकि जो आकाश तत्व होता है ये ब्रह्माकाश स्थान होता है, ठीक है। अब अग्नि होती है और वायु होती है, इन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट रहता है, यानी कि अग्नि और वायु सेम तरीके से काम करती है। जिस तरह अग्नि फैलती है, वायु का भी जो नेचुरल जो इसका गुण होता है वो फैलना होता है, तो ये दोनों एक तरह से काम करती है। हमारे घर के अंदर देखिए ये जो तत्व होता है ये होता है जल तत्व है, और ये जो तत्व होता है ये होता है वायु तत्व है, और ये जो तत्व होता है ये होता है भूमि तत्व है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे घर के अंदर ये जल तत्व है, ये वायु तत्व है, ये भूमि तत्व है और ये अपना अग्नि तत्व है। जल तत्व कहां से कहां तक होगा, नॉर्थ के बीच में से लेके ब्रह्म स्थान को आप छोड़ दीजिए और यहां तक, ये पूरा हमारा, ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा जल तत्व है, ठीक है। तो कभी भी भूलकर आपको यहां पर अपनी रसोई घर यानी कि किचन नहीं बनाना चाहिए। जिन घरों में यहां पर रसोई घर यानी कि किचन होता है उन घरों में काफी बीमारियां, परेशानियां और आर्थिक संकट देखने को मिलते हैं, घर में कलह रहती है और बहुत सारे नेगेटिव जो आपके जीवन के अंदर नहीं आने चाहिए वो पल भी आ जाते हैं। तो आपको यहां पर बिल्कुल जल के स्थान में अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है। सबसे उत्तम स्थान अपना साउथ ईस्ट है। उसके बाद में देखिए यहां से लेकर यहां तक ये जो इतना स्थान रहता है अपना, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये हमारा वायु तत्व को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर भी आप अपनी जो किचन है, रसोई घर है, रसोई है, वो बना सकते हैं, क्योंकि वायु और अग्नि एक तरह से काम करता है। जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है वो आपका हमेशा साउथ ईस्ट ही रहना चाहिए, सबसे उत्तम स्थान है। सही स्थान पर अपना रसोई घर बनाएंगे, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। देखिए अग्नि का जो स्थान होता है वो शुक्र का भी स्थान होता है, तो घर की महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है और बेटियां जो होती है उनका भी जो भविष्य होता है वो उज्जवल रहता है। सेकेंड ऑप्शन आपका ये रहेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आप अपना किचन बना सकते हैं। कहां पर नहीं बना सकते हैं, जल तत्व में नहीं बना सकते हैं, भूमि तत्व में नहीं बना सकते हैं और अपना आकाश तत्व में नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा दो पोर्शन रहते हैं उनमें आप बना सकते हैं।
कोशिश रहती है आपको अच्छे से वीडियो पूरा अच्छे से आपको समझाया जाए कि रीजन देके कि कैसे बनाना है और क्यों नहीं बनाना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।